वहां पर मैंने कहा था, उन्होंने काफी कम उम्र में दुनिया आयतन में कदम रखा। जो तो कहानी में बीतती है और शायद भी प्रकाश कीजिए जरा मोहम्मद उस्मान खान फ्रॉम टू विद राइट्स। हम तो बेदार ही नहीं होता उस्मान साहब, आपको ट्रांसक्रिप्ट में शिकायत आती है काम के दौरान हम चाहते हैं आज अपने सारे बच्चे के सामने इस बात का इतराब कर दिया उनसे चाहूंगा। जनाब हमारे अच्छे मेहमान बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट क्लब के डायरेक्टर से मुकाबला कहानी नबी की में पहला इनाम हासिल किया। यूं तो कहानी नबी की में शायरी शायरी करी खासा शुरू करते हैं जिस तक बात कीजिए जनाब के सामने ही साहब को हम लोग को करते हैं। मैं नाम देने जा रहा हूँ जो बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट क्लब के सर नौमर शायर को, जिन्होंने दुनिया में इतनी खुशी का सहारा कदम रखा है। आज से चंद माह कबल तक शायरी तक पढ़ने की हद तक पसंद फरमाते थे, लेकिन अपने आसपास से अच्छी हद देखते हुए उन्हें भी शायरी का शौक बढ़ाया है। इस्तकबाल कीजिएगा जनाब खैरुल रहीम साहब उर्दू बाजार का असला होगा। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनकी शायरी में अदब से बेतना मोहब्बत की मिसाल कुछ यूं बन चुकी है कि उनकी अदालत में बगैर हमारी मैत्री का मजा तो उसकी कमी का दर्ज है। अपनी अचानक की मिसाल की तशरीफ लाएंगे जनाब आसिफ अमान साहब। मैं इस तरह के शायर के साथ में रहता का पेश करूंगा। शायद की सेक्रेटरी नाम है तो इस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ। हमारे पॉकेट के बड़े बड़े ढाबे पर यहाँ पर तशरीफ फरमाने उनके मौजूदगी में मैं काफी कंफ्यूज हूँ। मैं नाम बुलाते हुए तुम्हें खबर नहीं गुलशन में क्या रही है जमीन, तुम्हारे पास से आरास आ रही है जमीन। पलक के पास है झूमर तुम्हारे मास्के का, नवाजरात से पायल बना रही है जमीन। अगर सितारे हुए हैं तुम्हारे हाथ के सर, लिबास के झूल को भी मसरफ में ला रही है जमीन। पलक के पास है झूमर तुम्हारे माथे का, पलक के पास है झूमर तुम्हारे माथे का, नवाज रात से पायल बना रही है। अगर सितारे हुए हैं तुम्हारे हाथ के सर, लिबास से गुल को भी मशरफ में ला रही है जमीन। तेरे सबब हुई उसकी आफत, अगर सितारे हुए हैं तुम्हारे हाथ के सर, लिबास से गुल को भी मशरफ में ला रही है तुम्हारे बाहर से लिबास से गुल को भी मशरफ में ला रही है। तेरे सबब हुई उसकी फिजा ही नफ पर है, तुझे उठा के अजब लुत्फ उठा रही है जमीन। तेरे सबब हुई उसकी फिजा ही नफ पर है, उसकी फिजा ही नफ पर है, तुझे उठा के अजब लुत्फ उठा रही है जमीन। न थे फलक से गवारा किसी को हम दोनों, समझ किसी को गनीमत बता रही है जमीन। तो
तुझे याद का एक नाम होके रह जाऊं, तुझे बुलाऊं तो बेनाम होके रह जाऊं। बुलाऊं तो बेनाम होके रह जाऊं। मुझ में जो ये आज बरपा है, रहीने याद का एक नाम होके रह जाऊं, तुझे बुलाऊं तो बेनाम होके रह जाऊं। दिन और मुझ में जो ये धन आज बरसा है, दुआ करो कि मैं नाकाम होके रह जाऊं। दिन और मुझ में जो ये धन आज बरसा है, दुआ करो कि मैं नाकाम होके रह जाऊं। तुम्हारा इश्क वजाहत मेरी अगर न करे, मैं सर के लिए अब हम होके रहता हूँ। जो बात हो जाएगा बनू हमेशा मैं, नहीं रही कि तुम नाम होके रहता सलमान भट्ट और ये खान और भी दोस्ती तो बावन दिनों हमारे जोन चीफ भी जो है वो अदर से इलाका रहते थे, खुद तो शेर नहीं कहते थे लेकिन शेर नहीं बहुत अलग अलग दिल्ली थी सैयद सरफ सैन की आज तक सुनाई मेरे जनरल इंजीनियर हमारे उस वक्त लाहौर के जोन चीफ थे। तो हमने गैर रस्मी तौर पर एक फलीमेंट फोरम बनाया हुआ था जिसमें हमने बैंक के और दूसरे बैंकों के लोगों को ये माइल किया कि बैंक कार्य ही सिर्फ जो है जिंदगी का वजीफा नहीं है, बल्कि ये है कि पेट से सोचने की बजाय तेल और तनाव से सोचना जो है वो भी इंसान के लिए उत्साहित कर दी है। चुनाची वो फोरम कुछ अच्छा चला, फिर मेरी पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल में हो गई ट्रांसफर, मेरी चले गए तो चेतन चेतन हो गया। दूसरे आज मुझे वो याद जो है वो आई थी मेरी मालूम के मुताबिक लाहौर में इस ये इनिशियटिव से बैंक कल्पना ले लिया जिसके लिए उसके इंतजाम में उसके लोग बाईस साल तकरीब हैं कि उन्होंने सलाहियतों का ये इस्तेमाल किया कि आप लोग जो है वो अपना इजहार भी करें और इस बाती में जो है वो अपनी देखी मोटी की चुनी दोस्तों के अशार सुने यकीन माने लुत्फ आया लुत्फ इस बार बायस आया कि ख्याल क्योंकि शायरी का असर जहर ख्याल आपके यहाँ बड़ा ताकतवर था बहुत अच्छी अच्छी ख्याल। दूसरा मामला होता है उसकी तरबियत का और रियाजत का जो आप लोगों के पास बहुत और शायरी करने की सलाहियत भी है, पर सिर्फ ये है कि इस शौक को जारी रखिए और हो सके तो अपना कलाम जो है वो किसी सीनियर शायर को दिखा नहीं रखे ताकि ये आपकी जो सलाहियत है ये आपके भरपूर इजहार का उचित रख सके। तो मुझे यही मानने बहुत खुशी हुई है एक नज्म से आगाज करूंगा। हम लोग दुकानें देखते रहते हैं, दुकानों में खरीदारी करते हैं, शायद ये दुकान भी देखी